गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि GSTR DRC03 से रिलेटेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है DRC03 जो फॉर्म है वो अब लाइव कर दिया गया है पोर्टल पे। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप उसको कैसे भर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहेगा वीडियो के एंड तक ताकि आप भी DRC03 जो वॉलंटरी पेमेंट का जो टैब है उसको आप अच्छे से समझ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटी पोर्टल अपडेट 17-18 की इनवॉइसेस का जीएसटी अब DRC03 में जमा कर सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, DRC03 बेसिकली है इंटीमेशन फॉर वॉलंटरी पेमेंट। अगर आपका 17-18 का कोई इनवॉइस है जो कि आपने अपलोड नहीं किया है या वो मिस हो गया है आप लोगों से 17-18 के इनवॉइसेस को, और वो आप उसको GSTR 9 एनुअल रिटर्न में डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि आप अपनी एडिशनल लायबिलिटी को डिक्लेयर कर सकते हैं एनुअल रिटर्न के अंदर। लेकिन जब आप एनुअल रिटर्न के अंदर अपनी एडिशनल लायबिलिटी डिक्लेयर करेंगे तो उस चीज को आप DRC03 के थ्रू आपको पेमेंट करना होता है। तो काफी लोगों ने मेरे से यह सवाल पूछा था कि DRC03 को कैसे हम लोग फाइल करेंगे पोर्टल पे। आज की वीडियो में मैं आपको उसी चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये पेमेंट लाइव कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे। चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली पोर्टल पे और देखते हैं ये DRC03 का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। वीडियो पे आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंच जाए। ये मैं आ गया हूं अपने जीएसटी पोर्टल के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको सबसे पहले करना है जो भी आपकी एडिशनल लायबिलिटी है जो आपने GSTR 9 में दिखाना चाहते हैं, तो आप अपनी GSTR 9 ओपन करके वहां पे जो भी आपको एडिशनल लायबिलिटी डिक्लेयर करनी है वो पार्ट 5 के टेबल 10 और टेबल 11 में आप डिक्लेयर कर सकते हैं थ्रू अमेंडमेंट्स। जो भी एडिशनल लायबिलिटी बनेगी वो आपको पेमेंट कैसे करना है वो मैं आपको डायरेक्टली आप दिखा रहा हूँ। आपको जाना है सर्विसेज टैब्स। सर्विसेज टैब के अंदर यूजर सर्विसेज, यूजर सर्विसेज में माई एप्लीकेशन वाला जो लिंक है उसको आप क्लिक करेंगे। माई एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो आपके ऊपर ये एक आपके सामने ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो के अंदर एप्लीकेशन टाइप दिया गया है। इस एप्लीकेशन टाइप में काफी सारी लिस्ट आपके सामने ओपन होंगी। इसमें आप देख पा रहे हैं एडवांस रूलिंग है, इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, अपील्स है, रिफंड्स है, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है, काफी सारी चीजें ऑनलाइन एप्लीकेशन में दी गई है। हम लोगों को यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC03। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वाला एप्लीकेशन हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने पहले कोई एप्लीकेशन सेव करके रखा है तो आप यहाँ पर डेट का रेंज डाल के उसको सर्च कर सकते हैं और उसी को आगे प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने एप्लीकेशन सेव कर लिया तो वो 30 दिन तक आपके सिस्टम में एक्टिवेटेड रहता है। ये हमने फर्स्ट टाइम करना है इसीलिए यहाँ पर हम लोग DRC03 सिलेक्ट करके हम लोग करेंगे डायरेक्टली न्यू एप्लीकेशन। जैसे ही हम लोग न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे हम लोगों के सामने इंटीमेशन ऑफ पेमेंट मेड वॉलेंट्री और मेड अगेंस्ट द सो कॉज नोटिस एक ये फॉर्म अपने सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका जीएसटी नंबर, आपका नाम, फर्म नेम और स्टेटस अभी ड्राफ्ट में शो हो रहा है। जब तक ये फाइल नहीं होता है ये ड्राफ्ट स्टेटस नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए, नहीं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉज ऑफ पेमेंट, आप जो ये DRC03 पेमेंट करना चाहते हैं वो किस वजह से पेमेंट करते हैं। इसमें काफी सारे कारण होते हैं, सेक्शन 73, सेक्शन 74, जहां पर की SCN इशू होने से पहले वॉलंटरी पेमेंट करने का ऑप्शन रहता है। यहां पे आप देख पा रहे हैं वॉलंटरी पेमेंट, SCN अगर सो कॉज नोटिस के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं, एनुअल रिटर्न, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड अदर्स। तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट GSTR 9C में अगर कोई एडिशनल लायबिलिटी डिक्लेयर करते हैं तो उसको भी आप DRC03 के थ्रू फाइल कर सकते हैं, या फिर अगर आप एनुअल रिटर्न के थ्रू कोई एडिशनल लायबिलिटी पे करना चाहते हैं तो उस चीज को भी आप यहां से अब कर पाएंगे पेमेंट। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे एनुअल रिटर्न। जैसे ही हम लोग एनुअल रिटर्न यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास पेमेंट डेट जो आपका करंट डेट होगा वो डेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा। उसके बाद आपके पास आएगा सेक्शन नंबर। जब आप एनुअल रिटर्न यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास बाय डिफॉल्ट एक ही ऑप्शन रहेगा, सेक्शन 73 का सबसेक्शन 5 जो की बात करता है वॉलंटरी पेमेंट का, क्योंकि एनुअल रिटर्न में आप वॉलंटरली डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी एडिशनल लायबिलिटी जो की 17-18 की मिस्ड इनवॉइसेस की है। यहाँ पर हम लोग करेंगे वॉलेंट्री पेमेंट 73 सबसेक्शन 5। उसके बाद यहाँ पे आता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में जो है हम लोगों को यहाँ पर ये करना है
1718 ही हम लोगों को यहाँ पर शो करेगा, क्योंकि एनुअल रिटर्न का जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 1718 के लिए अभी एक्टिवेटेड है और किसी भी साल के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे फाइनेंशियल ईयर 1718। उसके बाद हैव यू मेड द पेमेंट, अगर आपकी जो एडिशनल लाइबिलिटी है वो आपने ऑलरेडी पे करा हुआ है चलान से, तो आप इसको यहाँ पर यस कर सकते हैं, इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना पीआरएन नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे अपना पीआरएन नंबर डालेंगे, आप यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स करेंगे, तो आपका पेमेंट डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अभी हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, इसीलिए हम लोग उसको करेंगे नो और हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ओवरऑल टैक्स पीरियड। अब इस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है ओवरऑल टैक्स पीरियड। ओवरऑल टैक्स पीरियड का मतलब हुआ कि आपको कौन से साल का या कौन से पीरियड से लेके किस पीरियड तक का आपको टैक्स जमा करना है। सपोज करते हैं आपको जुलाई 17 से लेके मार्च 18 तक का टैक्स पे करना है, तो आपको ओवरऑल टैक्स पीरियड के अंदर यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा जुलाई 2017 टू मार्च 2018। आपको ओवरऑल टैक्स पीरियड पहले सिलेक्ट करना होगा, फिर उस ओवरऑल टैक्स पीरियड के अंदर आपको बाइफर्केट करना होगा कि किस महीने का कितना कितना टैक्स आपका एडिशनल लाइबिलिटी के अंतर्गत जाना है। आप इकट्ठा सारा नहीं कर सकते, आपको बाइफर्केशन यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया फाइनेंशियल ईयर 17-18 को पूरी तरीके से ओवरऑल टैक्स पीरियड हमने मान लिया है जुलाई 17 से लेके मार्च 18 तक। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इफ एप्लीकेबल। अब यहाँ पे मंथ वाइज हम लोगों को ब्रेकअप देना है कि किस महीने का कितना सीजीएसटी है, कितना टैक्स का अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट है, कितना पेनल्टी वगैरह है। तो यहाँ पे अब हम लोग सिलेक्ट करेंगे जुलाई टैक्स पीरियड 17 फ्रॉम जुलाई 17 टू सेप्टेम्बर 17। सपोज करते हैं आपकी क्वार्टरली रिटर्न की फाइलिंग की फ्रीक्वेंसीज थी, तो आप क्वार्टरली भी यहाँ पे जमा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्वार्टरली सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले ओवरऑल टैक्स पीरियड में उस क्वार्टर के पीरियड को इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया जुलाई 17 टू सेप्टेम्बर 17। उसके बाद यहाँ पे है एक्ट टाइप, कौन से एक्ट में आप ये जमा करना चाहते हैं, सीजीएसटी का है, आईजीएसटी का है, या एसजीएसटी का है, या सेस का है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस या आईजीएसटी का अमाउंट सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे आईजीएसटी करेंगे तो आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई का ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन से स्टेट का पेमेंट आप करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे सीजीएसटी या एसजीएसटी करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस स्टेट में है आप उसी स्टेट का पेमेंट करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब हम उसके चलते हैं आगे। जैसे ही हमने यहाँ पे सीजीएसटी सिलेक्ट किया, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया कि कितना टैक्स हम लोगों को डिक्लेयर करना है। एडिशनल लाइबिलिटी जो एनुअल रिटर्न से निकल के आई है वो कितना अमाउंट है, तो वो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, जितनी एडिशनल लाइबिलिटी आप डिक्लेयर करेंगे उसके अंदर इंटरेस्ट आपको सेल्फ कंप्यूट करना होगा एट द रेट ऑफ 18% और वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ₹8 हमारा इंटरेस्ट है, पेनल्टी कुछ है नहीं। अदर्स के अमाउंट में अगर कुछ और अदर एडिशनल अमाउंट है तो वो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। ये करने के बाद अगर आपकी सीजीएसटी के अलावा एसजीएसटी का भी कोई अमाउंट है तो वो यहाँ पर ऐड करके आप यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करेंगे, और उस मंथ का जो है अगर आपका एसजीएसटी का कुछ पेमेंट है तो आप उस क्वार्टर को सिलेक्ट करके यहाँ पे एसजीएसटी करेंगे, और यहाँ पर एसजीएसटी का अमाउंट भी आप फीड कर सकते हैं सिमिलरली जैसे हमने सीजीएसटी के केस में किया है। उसी प्रकार से आप फिर ऐड करके आईजीएसटी और सेस को भी ऐड कर सकते हैं अगर कोई लाइबिलिटी है। अगर नहीं है तो इसको हम लोग करेंगे सेव। ये डेटा भर लेने के बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद ये जैसे हमारे पास डेटा सेव हो चुका है, उसके बाद हम लोग चलेंगे अब प्रोसीड टू पे। जैसे ही हम लोग प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, और उस विंडो के अंदर हम लोगों को अपना जो पेमेंट लाइबिलिटी डिक्लेयर हमने किया है उसको एडजस्ट करने के लिए अब ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वॉलेंट्री पेमेंट का एक विंडो आपके सामने ओपन हो गया है। इसमें आपके सबसे पहला दिखाया जा रहा है लाइबिलिटी, जो आपने लाइबिलिटी डिक्लेयर किया है इससे प्रीवियस वाले विंडो में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीजीएसटी में हमने ₹10 का लाइबिलिटी दिखलाया था तो वो यहाँ पे दिख रहा है टैक्स के अंदर। एसजीएसटी में हमने दिखाया था ₹10 का लाइबिलिटी, वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट हमने दिखाया था सेंट्रल टैक्स के अंदर ₹8, और यहाँ पर एसजीएसटी में भी इंटरेस्ट हमने शो किया था ₹8 का, तो दोनों ही लाइबिलिटी हम लोगों के पास यहाँ पे शो हो रहा है। एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर आप DRC 03 में कुछ पेमेंट करना चाहते हैं तो ये जो भी लाइबिलिटी आप डिक्लेयर करेंगे ये पूरा अमाउंट आपको कैश में ही पे करना होगा, आप इसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कैश लेजर बैलेंस। अगर आपने पहले से ही चेक्स जमा कर रखा है तो आपके कैश लेजर के अंदर यहाँ पर अमाउंट शो होगा कि इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर आपका कितना टैक्स एलिमेंट जमा कर रखा है आपने,
सेंट्रल टैक्स में कितना टैक्स एलिमेंट है, स्टेट टैक्स के अंदर कितना टैक्स एलिमेंट आपने जमा किया हुआ है। यहाँ पर हमने अभी कुछ भी जमा नहीं किया है, इसीलिए सारे विंडोज में जीरो शो होने लग रहा है। लेकिन आप जब यहाँ पर लाइबिलिटी एक बार डिक्लेयर कर देंगे, लाइबिलिटी अपनी डिटरमाइन कर लेंगे, तो आप अकॉर्डिंगली अपना जो चालान है वो क्रिएट करेंगे, और चालान क्रिएट करने के बाद आप इस सब पेज पे आएंगे तो यहाँ पे अमाउंट आपको शो होने लगेगा एलिमेंट वाइज, इंटरेस्ट में कितना है, पेनल्टी में कितना है, फीस वगैरह में कितना है। उसके बाद आपको एडजस्ट करने के लिए आपको इस वाले टेबल पे जाना है, कैश बैलेंस इधर शो हो गया। अब हमारे पास लाइबिलिटी थी 10 रुपए की, तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे सेंट्रल टैक्स पेड थ्रू कैश, यहाँ पे आईटीसी इस्तेमाल नहीं होता है। तो हमने कैश लेजर में जमा करवाया होगा 10 रुपए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 रुपए। एसजीएसटी में हमने यूटिलाइज करना है कैश लेजर से 10 रुपए का, तो वो अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 8 रुपए का इंटरेस्ट है वो पुटअप करेंगे, फिर 8 रुपए का इंटरेस्ट है ये पुटअप करेंगे। तो हमने जो एडिशनल लाइबिलिटी डिक्लेयर करी थी वो हम यहाँ पर डाल करके इसको सेट ऑफ कर लेंगे। सेट ऑफ करने के लिए आपको नीचे जाना होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्रेडिट लेजर, इस चीज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आप एनुअल रिटर्न के थ्रू एडिशनल लाइबिलिटी डिक्लेयर करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर का ही इस्तेमाल करना है। ये सारा डिटेल्स भर लेने के बाद आपको यहाँ पे सेट ऑफ बटन क्लिक करना है। जैसे ही आप सेट ऑफ बटन क्लिक करेंगे तो आपका जो कैश लेजर में जो अवेलेबल बैलेंस है उस अमाउंट से आपकी लाइबिलिटी का अमाउंट एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी लिख क्या रहा है, अमाउंट टू बी पेड कैन नॉट बी मोर देन द कैश बैलेंस लेजर। क्योंकि हमारे पास अभी कैश बैलेंस में लेजर में बैलेंस नहीं है, इसीलिए ये एरर दिखाया जा रहा है। लेकिन आप इसको अगर पेमेंट करके करेंगे तो ये सिंपली से आपका सेट ऑफ हो जाएगा। आप जब सेट ऑफ कर लेंगे तो सेट ऑफ करने के बाद आपके पास एक पेमेंट चालान ओपन हो जाएगा। उस चालान को आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपके पास एक पेमेंट रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा सेट ऑफ करते ही। उसी पेमेंट रेफरेंस नंबर को मैं आपको बताता हूं उसके बाद आपको क्या करना है। जब आपके पास पेमेंट रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाए तो उस पेमेंट रेफरेंस नंबर जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं PRN, तो जो हमने पहले विंडो में आपको दिखाया था PRN नंबर, उस PRN नंबर को हम लोग यहाँ पर डालेंगे। उस PRN नंबर को यहाँ पर डालने के बाद गेट पेमेंट डिटेल्स करेंगे तो आपका जो ये वाला विंडो है इसमें एक ऑप्शन आपके पास दिया जाएगा कि अब रीजंस बताइए आप क्यों ये वॉलंटरी पेमेंट कर रहे हैं। तो वहां पे आप लिख सकते हैं मिस्ड इनवॉइसेस ऑफ 1780। वो रीजंस देने के बाद आप इस DRC 03 को सबमिट करेंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी, उसमें ये दिखाया जाएगा कि आपकी लाइबिलिटी फॉर वॉलंटरी पेमेंट जो है वो क्रिएट हो चुकी है, और उस लाइबिलिटी वाले पेज को आप सबमिट करेंगे अपने EBC के थ्रू। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप DRC 03 में अपनी एडिशनल लाइबिलिटी डाल सकते हैं, GSTR 9 हो चाहे GSTR 9C, ऑडिट रिपोर्ट और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो ये एक लाइव डेमो था जो कि पोर्टल पे अवेलेबल करवाया गया है, इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया ताकि आपको भी इस चीज के बारे में अवेयरनेस हो सके। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि तो काफी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि अब GSTR 9 में एडिशनल लाइबिलिटी डिक्लेयर तो करें लेकिन उसको पेमेंट कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा था। तो इस वीडियो को देख करके उन सभी लोगों को अब इस चीज का पता लग सके कैसे एडिशनल लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है। अगर आपने हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।